भारत का लक्ष्य सिर्फ चुनाव जीतना ही लक्ष्य हो गया। कुछ भी करो, दंगा करो, फसाद करो, काटो मारो, शराब पिलाओ, पैसे दे दो, बस चुनाव जीतो। शर्म की बात है, 75 साल के आजादी के बाद लोग चांद सितारे नहीं मांग रहे हैं, सोने के ईंट नहीं मांग रहे सरकार से। भरपूर पानी दे दो, भरपूर बिजली दे दो, हमारे उगाई का दाम दे दो, लेकिन जनता की जीत के ओर हमको आज सोचने का घड़ी है। जनता की जीत किस प्रकार से हो सकता है? मंच पर उपस्थित हमारे साथ आए हुए माननीय डॉक्टर केशवराव जी, बीआरएस पार्लियामेंट्री पार्टी के नेता और भूतपूर्व आईएएस अधिकारी, ये नागपुर में इस सिटी को सुंदर बनाने में कमिश्नर ऑफ नागपुर महानगर पालिका इन्होंने अच्छा काम किया था, वो भी मेरे साथ आए हैं। और मंच पर उपस्थित श्री शंकरण्णा दोंडगे जी, माणिकराव कदम जी, श्री वाकुड़कर जी और मंच पर उपस्थित अन्य हमारे जहीराबाद के पार्लियामेंट सदस्य श्री बीवी पाटिल जी और कई लोग हैं, विधायक जी और अन्य पार्टी के वरिष्ठ नेता लोगों को, और आप तमाम भाई बहनों को मैं प्रणाम करता हूं। सबसे पहले महाराष्ट्र राज्य के इस पावन धरती को मैं प्रणाम करता हूं। एक बात इस बीच में हमें बहुत सताता है, मैंने कई बड़े बड़े पत्रकारों से, कई बुद्धिजीवियों से, कई लोगों से मैंने पूछा है, कई वरिष्ठ नेताओं से, आज हमारा भारत का लक्ष्य क्या है? भारत देश का कोई लक्ष्य है या भारत अपना लक्ष्य खो गया है और भटक रहा है? हम कोई भी इसका जवाब देने के लायक नहीं रहे। और एक बार सोचिए मन लगा के, बिना लक्ष्य के समाज, बिना लक्ष्य के देश कहां पहुंचते हैं? इसका अंजाम क्या होता है? गहरा मन से अगर सोचे तो डर लग जाता है। हमारा आबादी इतनी बड़ी कि दुनिया के सबसे बड़ी आबादी रखने वाले देश चाइना को भी हम पार कर गए, नंबर वन देश है पॉपुलेशन। इतनी बड़ी आबादी 140 करोड़ के ऊपर, इनके साथ इस प्रकार का खिलवाड़ हो रहा है। अब एक शब्द में कहना है तो भारत का लक्ष्य सिर्फ चुनाव जीतना ही लक्ष्य हो गया। कुछ भी करो, दंगा करो, फसाद करो, काटो मारो, शराब पिलाओ, पैसे दे दो, बस चुनाव जीतो। ये चुनाव की जीत हार के चक्कर में हम लोग गुमराह हो रहे हैं, भारत, पूरे भारत। अभी एक बात है, अभी अभी कर्नाटक राज्य में सत्ता बदल हुआ है, वहां भाजपा हार गया है, कांग्रेस आ गया है। आप मन लगा के देखो, कोई परिवर्तन आने वाला है? आप लोगों को कोई आशा है? सही लोकतंत्र में, सही लोकशाही में होना यह है, जीत पार्टियों की, नेताओं की, जीत चेहरों की नहीं होनी चाहिए, जीत हर इलेक्शन के बाद जनता की होनी चाहिए। जब जनता जीतने लगेंगे तो सारे चीज बदलने लगेंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है, 50% लोग यानी कि 42% इस देश में किसान हैं, उनके साथ काम करने वाले कम से कम और एक 15-20% हैं, जो भी जिस प्रकार के भी हो, यानी कि करीब करीब 60% लोग शांत हो जाएंगे अगर खेती किसानी कड़े होता और अच्छा सुकून से रहते हैं।
इतना बड़ा लाट यानी कि 60% लोगों को छोड़ के ये क्या हो रहा है इस देश में। शर्म की बात है 75 साल के आजादी के बाद लोग चांद सितारे नहीं मांग रहे हैं, सोने के ईंट नहीं मांग रहे सरकार से। भरपूर पानी दे दो, भरपूर बिजली दे दो, हमारे उगाई का दाम दे दो। ये नहीं देने से आज आत्महत्या कर रहे हैं किसान पूरे भारत में। दुर्भाग्यपूर्ण है कि महाराष्ट्र में ज्यादातर आंकड़ा यहां ज्यादा है, बड़ा है, बड़ा दुख होता है। महाराष्ट्र एक ऐसी प्रदेश है हिंदुस्तान का नंबर वन प्रदेश है, यहां से इतने नदियां निकलते हैं शायद ही किसी और राज्य से निकलते हैं। जहां जाओ तो पीने का पानी का किल्लत। प्रकाश पोहरे जी मेरे साथ थे, हम औरंगाबाद में थे, वहां किसी ने कहा भाई यहां पे 8 दिन में एक बार पानी आता है पीने का। प्रकाश पोहरे जी कहा अकोला में कौन सा बेहतर है, अकोला में भी 10 दिन में एक बार आता है। सोलापुर वाले कह रहे 11 दिन में एक बार आता है। कहीं कहीं मतलब प्रांत में पीने की पानी की किल्लत, जहां से कृष्णा और गोदावरी निकलता है। कितने नदियां हैं महाराष्ट्र में, पंचगंगा, प्रवरा, मूला, वारदा, वैनगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता, इतने सारे नदी रखते हुए क्या हो रहा है इस देश में। 75 साल के आजादी बहुत बड़ी लंबी समय होती है। मैं एक बात कहूं तो आपको हैरत होगा, महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र है, देश का राजधानी जो दिल्ली है 75 साल के आजादी के बाद वहां भी पर्याप्त पानी की उपलब्धि नहीं है। कई हमारे दोस्तों के घर में खड्डे खोदे हुए हैं, टैंकर खरीदने पड़ते हैं हर दिन, अफसोस की बात है। और दिल्ली एक ऐसी जगह है जो गंगा यमुना के बीच में डेल्टा में है, पानी की कमी नहीं है, देश की राजधानी है। पानी नहीं बिजली भी पर्याप्त नहीं मिलता, बिजली की कटौती होती है दिल्ली में कई प्रांत में। ये क्या हो रहा है, क्या आखिरकार इसका कारण क्या है, वजह क्या है। मैं किसी एक पार्टी को या किसी व्यक्ति को आलोचना करना मेरा काम नहीं है, मैं परिस्थितियों का समझने का और समझाने का काम करता हूं। मैं साफ साफ आप लोगों को एक बात बताता हूं, बीआरएस एक मिशन है, भले ही राजनीतिक पार्टी है, राजनीति एक व्हीकल है, जो कि नीतियां बनना है, कानून बनना है तो असेंबली से पार्लियामेंट से ही बनते हैं, वो हम जानते हैं। आंदोलन कर करके पूरी जनता थक गई है। किसानों को लेकर अगर बात करें तो यहां शरद जोशी बहुत ही महान किसान नेता, देश के जाने माने नेता, उन्होंने क्या कम लड़ी थी, कितने साल लड़ी थी, कितने बार जेल गए थे, उनके साथ शंकरण धोंडगे जी, मानिक कदम जी और कई हजारों लाखों लोग कितने लड़ाइयां लड़े। आज भी प्याज के दाम के लिए नासिक से मुंबई तक लोग 50,000 10,000 महिलाएं जिनके खून में पायरों में से खून भी निकल रहा है यात्रा करना पड़ता है। ये क्या हो रहा है, क्या तरीका है। लोकतंत्र का यही है, जो हमारे स्वतंत्र सेनानी थे उनका यही इच्छा था, यही देखना चाह रहे थे, इसीलिए स्वतंत्र पाया हमने। ये बड़े दुख की बात है। राजनीति तो बहुत चलता है, राजनीति आए तो कोई ना किसी ना किसी को हारना है, किसी ना किसी को जीतना है, लेकिन जनता की जीत के ओर हमको आज सोचने का घड़ी है। जनता की जीत किस प्रकार से हो सकता है, ये संभव बात है, असंभव नहीं है। होंगे बड़े बड़े नेता होंगे, कई हैं, हमने कई देखा है देश में भी, यहां पे भी जितने पार्टी है महाराष्ट्र में, जिनको एक पार्टी मुझे बताया जिनको सत्ता नहीं मिला, हर पार्टी को मिला, हर पार्टी के मुख्यमंत्री बने यहां पे, फिर किसी एक ने भी परिवर्तन क्यों नहीं लाया, ये सोचने की बात है। पार्टी ठीक है, पार्टी से हमको कोई इतराज नहीं है, लोकशाही में पार्टियां होना चाहिए, वो प्रजास्वामी के लोकशाही के स्तंभ होते हैं, पार्टी की मौजूदगी बहुत जरूरी है, पार्टियों के बीच में टक्कर की भी बहुत जरूरी है, जो अच्छा क्वालिटी काम करता है उसको जनता मौका देगी। तो मैं आपसे फिर एक बार कहता हूं, ये बीआरएस
भारत परिवर्तन का एक मिशन है, पूरी भारत को सुधारना है, सिर्फ महाराष्ट्र राज्य को नहीं, पूरी भारत जब तक परिवर्तन ना हो हमारे समस्याओं का समाधान नहीं निकलेगा। एक सेंटेंस में कहना है तो परिवर्तित भारत ही आज के भारत के सर्व समस्याओं के समाधान है, 100%, इसमें कोई दोहराय नहीं। दुनिया में कई मिसाल देखने को मिलते हैं, ठीक है, हर समाज का किसी न किसी तरीके का शुरुआत होता है, किसी का आजादी से गिनते हैं, किसी का इंकलाब के बाद रिवोल्यूशन के बाद गिनते हैं, किसी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तानाशाही से लोकशाही में बदलते हैं, वहां से फिर गिनती शुरू करते हैं। हमारे देश में हमारी व्यवस्था है कि हम आजादी के जब से देश का शुरुआत का गिनती करते हैं। तो होता यह है हर देश में, सारे ग्लोब में अगर देखें हम लोग, उस समय के जैसे बुद्धिजीवी होते हैं, जैसे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे हमारे यहां, उनके नेतृत्व में एक संविधान बना, कानून कायदा बना दिया, देश चल पड़ा। चलते चलते अनुभव ही कुछ और मिलते हैं, जब लिख के चलते हैं, कानून बना के चलते, कुछ एक रास्ता बना के चलते हैं, जब चल पड़े तो अनुभव कुछ अलग बताता है, उसके मुताबिक काम होता है और एक दो दशक या मैक्सिमम 3 दशक के अंदर पूरे सेटल होता है। हमारे पास 75 साल गुजर गए, अभी भी कोई सेटल नहीं। किसान रो रहा है, आत्महत्या कर रहा है, आखिरकार फिर कौन सुख से है? शोषित, पीड़ित, वंचित जो लोग हैं, आज हमारे देश में दलितों का स्थिति क्या है? मैं एक शब्द में कहता हूं, दलितों का गरीबी और दलितों का साथ अन्याय जब तक नहीं रुकेगा हमारे चेहरे से वो धब्बा नहीं जाएगा, 100% ये मेरी बात मान लीजिए आप। अमेरिका जैसा देश जहां वहां के मुकामी लोग, नेटिव लोग, रेड इंडियंस को काफी सताए थे, श्वेत जाति वालों ने काफी अत्याचार किए थे उनके ऊपर, लेकिन अमेरिका जैसा देश भी, वहां भी चेतना जाग गई। मैंने किसी सभा में कह दिया, सभी ने खूब तालियां बजाए, बराक ओबामा को अमेरिका का अध्यक्ष बना के अमेरिका ने अपने पापों को धोया है। ऐसे ही हमारे पास जब तक हमारे दलित समाज ठीक है उनको जोश ज्यादा है, तो जब तक दलित शोषित रहेंगे, पीड़ित रहेंगे, वंचित रहेंगे, तब हम सुकून से नींद नहीं ले पाएंगे। ठीक है, हमारे घर में खाना है, भरपूर खा रहे हैं, लेकिन बगल के घर में अगर वो लोग उपवास है तो हमको क्या लगता है? ऐसी स्थिति हमारे दलित समाज का है, इसको किसी ना किसी तरह से इसको सुधारना चाहिए, इसका उद्धार होना चाहिए। ऐसे ही आदिवासी कब तक लड़ेंगे अपने हकों के लिए? वो लगातार लड़ रहे हैं आजादी के जब से आज तक, समस्या मिटता ही नहीं। बुद्धिजीवियों की कमी नहीं, ऑफिसरों की कमी नहीं, पार्टियों की कमी नहीं, हार जीत की कमी नहीं, फिर क्यों समाधान नहीं निकलता? ये बुनियादी बातें सोचने की बातें हैं। खास तौर पर यहां के बुद्धिजीवियों से, युवा से मैं हाथ जोड़ के सभी को प्रणाम करके विनम्र निवेदन करता हूं, वक्त आ गया है, अभी हमको जागरूक होने जरूरी है, बहुत जरूरी है। और जब तक ये देश नहीं बदलेगा, देश का विचारधारा नहीं बदलेगा, कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ चुनाव आएंगे, कोई पार्टी हारेंगे, कोई पार्टी जीतेंगे, बस यही ड्रामा चलता रहेगा। 2 शब्द मैं बताता हूं आपको, एक पानी, जिसकी कमी तो होनी ही नहीं चाहिए भारत में, देश को जितना पानी चाहिए उससे कई गुना डबल पानी की उपलब्धि है देश में। ये आंकड़े मेरे नहीं है, केंद्र सरकार के हैं। भारतवर्ष में हर साल 1,40,000 टीएमसी की बारिश होती है, जिसमें से सीधे ही बरसात होते समय ही फ्रिक्शन होकर के हवा से आधा पानी बाष्पीकरण होता है, यानी कि 70,000 करीब बाष्पीकरण हो जाता है, बाकी 70,000 पानी हमारे भूमिगत जाता है, कुछ भूमि जल, और बाकी 65,000 टीएमसी
सीधे शुद्ध नदियों में शुद्ध पानी हमारे देश में बहता है। इसमें से आज तक भारत ने उपयोग किया सिर्फ 19-20 हजार टीएमसी, बाकी 50 हजार टीएमसी बह रहे समंदर में, या तो बंगाल के खाड़ी में या अरबी समंदर। सभी देख रहे हैं, इतने सारे प्रधानमंत्री, इतने सारे मुख्यमंत्री, इतने सारे विधायक, आमदार, खासदार, क्या क्या नहीं, लेकिन कुछ होता है नहीं।